जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और अध्यात्म चैनल से हूँ और आज का वीडियो जो है वो मैं खास पर्पज़ से लाई हूँ। और पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे लोगों की एक समान परेशानी को मैंने नोटिस किया है और ये आज से नहीं, मैं पिछले 4-5 साल से इस चीज़ को देख रही हूँ। मेरे पास दूर दराज से लोगों के जो फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सअप आता है, कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही कॉमन होती हैं और वो मुझसे कहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, हमारी लाइफ में वैसा हो गया, यानी कि अलग अलग चीज़ों के बारे में वो मुझसे बोलते रहते हैं। और अगर आपकी भी लाइफ में कुछ इसी तरह की कॉमन प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसी के लिए आज आपको सोल्यूशन देने जा रही हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 1, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और अगर अचानक से आपकी जॉब में दिक्कत आ जाए, जिन लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं वो आपके दुश्मन बन जाए, आपका बॉस आपसे नाराज़ हो जाए, प्रमोशन होते होते डिमोशन हो जाए, अचानक से आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके खून पीना शुरू कर दे, परेशान करना शुरू कर दे, आपका जो बॉस है जो नया आया है अचानक से या पुराना बॉस है वो आपको परेशानी दिक्कत दे रहा है, या फिर अगर ऐसा होता है कि आप शादी करके किसी घर में जाती हैं, उस शादी के बाद आप जिस घर में जा रही हैं उस घर में आपको जो सास है, ससुर है, या देवर, देवरानी, जेठानी, या आपका खुद का पति आपके साथ कलेश करने लगता है, परेशान करता है, आपकी ज़िंदगी में अचानक से परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं और बिज़नेस में अचानक से लॉस होने लगता है, बिज़नेस में आपको बहुत नुकसान हो रहा है, आपका काम ख़राब हो रहे हैं, पैसा डूब गया, आपका कोई दोस्त आपका पैसा लेके भाग गया, आप षड्यंत्र के शिकार हो गए, जॉब में भी आप षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, यदि आपके पास ऐसा हो रहा है कि आपने जो काम किया नहीं उसका लालचन आप पे लगाया जा रहा है कि आपने ऐसा किया उसका लालचन आप पे लगाया जा रहा है, अगर ऐसी कोई भी समस्या है, यदि आपके जो सहकर्मी हैं अचानक आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ऐसा बहुत सारी बार देखा जाता है, जैसे कि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और अचानक से आपको झूठा बना दिया जाए, या रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है कि सास ससुर के साथ रह रही हैं या आपकी बहू आपके साथ रह रही है, वो आप पे दोषारोपण करने लगती है कि तुमने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यानी कि जो चीज़ आपने की ही नहीं है उसका लालचन आप पे लगाना, चोरी के इल्ज़ाम लग जाते हैं, झूठे आरोप लग जाते हैं, झूठी बातें लोग बोल देते हैं और सबका सामना आपको करना पड़ा, यानी कि किसी भी कारण से आपके ऊपर दोष लग रहे हैं, आपके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लग रहे हैं, आपका प्रमोशन से डिमोशन हो रहा है, काम करते हुए आपको सहजता नहीं आ रही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, चाहे वो अपनी शादीशुदा लाइफ हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, ऐसे हो रहा है, या घर में अचानक से लोग बीमार पड़ने लग गए हैं, किसी को अचानक बहुत चोटें वोटें लगने लगी हैं, कभी किसी का पैर टूटता है, कभी हाथ में चोट लग रही है, कभी माथे पर चोट लग रही है, मतलब चोटें लग रही हैं। इसके अलावा अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, प्रेमी और प्रेमिका साथ में थे या पति पत्नी साथ में थे, फिर अचानक से क्या होता है कि 3-4 साल में उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, या तो प्रेमी कहता है मेरे माँ बाप नहीं तैयार हो रहे मैं तो जा रहा हूँ, या प्रेमिका कहती है मैं जा रही हूँ, या पत्नी को कोई और लड़की पसंद आ गई या पत्नी भाग गई छोड़ के, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और घर में दोष होते हैं, कलेश होते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको आज उसी का सोल्यूशन दे रही हूँ कि आप सबको ये मान्य होना चाहिए, यदि आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो, या आप किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन यह ऐसा होता है कि हमारे जीवन काल में हम जो भी कुछ करते हैं, घटनाक्रम हमारे जीवन में घटती है, अच्छे पीरियड के आते आते जब आपका नेगेटिव पीरियड शुरू हो जाए तो आप समझ जाना कि आपका सबसे पहले शनि बिगड़ गया है। शनि जब बिगड़ता है तो वो जितना आपको देता है ना, ईश्वर ने जितना आपको दिया है वो उसको ब्याज के साथ वसूल कर लेता है। शनि कई कारणों से बिगड़ जाता है। शनि ऐसे नहीं है कि आप बोलेंगे मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरा शनि कैसे बिगड़ गया। शनि आपके पूर्व जन्म के कर्मों से बिगड़ जाता है, शनि आपके इस जन्म के कर्मों से बिगड़ता है। जैसे कि मान जाए आपने बचपन में किसी को परेशान किया हो, जवानी में परेशान किया हो, चाहे वो किसी भी कारण से परेशान किया हो, चाहे वो जीव हो, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, परेशान का मतलब परेशान करना, तो शनि आपका बिगड़ जाता है। जैसे कि एक सज्जन है, मैं उनको जानती हूँ, उनके पास एक कुत्ता था और उस कुत्ते को उन्होंने जो है कई बार पीटा है, मारा है, अंत में उस कुत्ते की बहुत ख़राब मौत हुई थी। तो आज वो सज्जन जो है वो बिस्तर पे पड़े हैं और उनकी भी हालत उस कुत्ते की तरह ही हो रही है, क्योंकि वो भी उतने ही बीमार हैं जिससे से कुत्ता था वो। इसके अलावा मैंने एक फैमिली और देखी थी, उन्होंने अपने घर में एक जानवर को पाला था, कुत्ता ही पाला था, और उसके बाद वो कुत्ता थोड़ा सा पागल हो गया था, तो उन्होंने क्या किया था, उस कुत्ते को मार दिया था पूरी फैमिली ने मिलकर, तो तब से वो फैमिली डिस्टर्ब है। तो यानी कि आपने ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने किसी इंसान को तंग किया हो तभी आप परेशान होंगे। तंग करना मतलब तंग करना होता है, आप किसी को भी परेशान करेंगे जिसके भी मुंह से आहा निकलेगी, जो भी रो गया बस फिर आपका काम हो लिया। तो आप इसको ध्यान रखिए कि कभी भी किसी के बारे में एक तो गलत मत बोलिए,
मेरे मुंह से भी कभी कभी गुस्से में किसी के लिए निकल जाता है, जैसे मुझे कोई उल्टा सीधा गंदा मैसेज कर देता है कि मुझे तो ये पटाना है, ये करना है, वो करना है, इसका वशीकरण का मंत्र दे दो, तो कुछ गंदे गंदे शब्द जो होते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, जो कुछ आदमी लिख देते हैं कि पड़ोस की औरत है या विधवा है उसको पटाने का, इस तरह से कुछ लिख देते हैं, तो मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसको आज नहीं तो कल भुगतेगा, उसका अंत भी बुरा ही होगा, ये मैं जानती हूँ। तो उसके लिए मुझे अपना मुँह गंदा नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आपसे कह रही हूँ कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लौट के आपके पास आ ही जाएगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह की समस्याएं आपकी हो रही हैं, तो आज मैं आपको उसी का सब एक सोल्यूशन दे रही हूँ। अगर आपसे सच में कोई भूल हो गई है, या आप जानते नहीं कि मुझसे क्या भूल हो गई थी, मैं क्यों भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, तो फिर सिंपल सा फैक्ट है, जब भी आप के कर्म में कुछ भी लिखा हो, चाहे चोट हो, दरिद्र हो, अपमान हो, कुछ भी हो, तो आप उसको तीन तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका होता है ईश कृपा। ईश कृपा का मतलब होता है कि जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं या तपस्या करते हैं, किसी देवी या देवता को खूब मनाते हैं साधना कर करके, तो वो ईश्वर आप में खुश होकर आपको वरदान दे देता है कि ठीक है जाओ खुश रहो। और आपने इसके बहुत सारे देखे भी होंगे कि पुराण पढ़िए, राक्षस वगैरह और जो थे ये भगवान शिव को, माता पार्वती को, कभी दुर्गा को, कभी विष्णु को मना लेते थे तपस्या के बल पे, तो वो लोग भी तो बहुत बुरे थे, उनके कर्म बहुत बुरे थे, लेकिन ईश्वर आता है और उनको वरदान देके चले जाते हैं। तो आप अपने वरदान के काम से यानी तपस्या से, पूजा पाठ से किसी भी नकारात्मक चीज़ को सकारात्मक बदल सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर तो है गुरु। जो लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों का दिमाग स्टेबल नहीं होता है, तब आते हैं नंबर टू पे गुरु। गुरु क्या करता है, आपको यदि आपके पास किसी गुरु की शक्ति है, गुरु की पूजा है, तो गुरु बड़े अच्छे होते हैं। गुरु अपने साधकों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं और उनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी का भंडार रहता है, तो वो जब भी कहते हैं कि मैडम कि तुम्हारा भला हो, तुम खुश रहो, तुम्हारे काम बने, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा और आपका काम बनने लगेगा। जिस तरह से मेरे पास भी बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए मैसेज करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा काम बन जाए, तो मैं बोल देती हूँ कि सदा खुश रहो, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपको खुश रखे। तो एक ये चैनल हो गया, दूसरा कि इससे आपके पर कृपाएँ बढ़ती हैं, जितने ज़्यादा आप संतों की कृपा लेंगे, गुरुओं की कृपा लेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। तीसरा होता है कि सेवा। सेवा सबसे बढ़कर आती है, ईश्वर से भी बढ़कर आती है, फर्स्ट नंबर पे समझ लो यही है। यदि आप किसी विकलांग की, किसी दुर्बल की, बीमार की, कुष्ठ रोगी की, इन सब की, भिखारियों की सेवा पूजा में लग जाते हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये सबसे बड़ी पूजा में माना जाता है, इसमें ईश्वर और गुरु भी नीचे आते हैं, सबसे बड़ी पूजा होती है ये। इसलिए क्यों होती है, क्योंकि जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो खुद कोड़ी है, हाथ से बना के खा नहीं सकता, अगर आप उसे खाना दे रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे कपड़ा दे रहे हैं, तो ईश्वर आपसे खुश ही होगा। तो ये तो हो गए आपके तीन मेन पॉइंट, जिसके द्वारा आप किसी भी काम को जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब हम आते हैं पूजा पे। तो एक भगवान है जिनको बोलते हैं शनिदेव महाराज। आज की प्रेयर बेसिकली शनिदेव के ऊपर ही है। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में आ रही हो, तो बस आप एक काम कर लीजिए, डेली शनि मंदिर आपको जाना है, जब तक आपको उस प्रॉब्लम से बाहर ना आ जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी भर जाइए, डेली नहीं जाते तो शनिवार शनिवार तो आपको जाना चाहिए। शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे जहाँ पे भी आपका शनि कोई शिला रखी हो, शनि का कोई मंदिर हो, जहाँ नवग्रह हो वहाँ शनि हो, कहीं भी जहाँ शनि रखे हो वहाँ जाइए, शनिदेव के आगे हाथ जोड़िए और उनसे कान पकड़ के कम से कम 10 बार उठक बैठक लगाइए और बोलिए कि शनिदेव मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको सब पता है, मुझसे कहीं ना कहीं कुछ तो गलती भी है जो मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो भी गलती भी है और जो मैं भुगत रही हूँ ना, इसका अब अंत कीजिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ और मैं आपके चौखट पे आके बस माथा टेकता रहूँगा, बस आप मुझे इस परेशानी से निकालिए। उसके बाद आप अपनी श्रद्धा से जो भी 5-10 रुपये वहाँ रख दो, 2 रुपये रख दो, नहीं रख सकते हो तो भाई हफ्ते में एक जा रहे हो तो 5 रुपये तो रख ही दोगे, वरना 2 बताशे रख दो, और क्या कर सकते हो, एक पान का पत्ता लो, उसे 5 लौंग, 5 हरी इलायची, 2 बताशे और थोड़ा सा सरसों का तेल, ये आप शनि शनिवार को चढ़ा दो, और वरना डेली चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेली सरसों का तेल नहीं चढ़ा सकते हो, तो कम से कम एक पान के पत्ते में 5 लौंग, 5 हरी इलायची, 2 बताशे रखकर शनिदेव को रखो और उनसे बोलो कि हे देवता, हमसे कहीं तो कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि तुम ही जानते हो, वरना तुम हमें कष्ट नहीं देते। तो अभी जो भी कुछ है आप जानो, मैं कुछ नहीं जानता या जानती, मुझे तो बस इस चीज़ से बाहर निकालो। और एक शनि चालीसा भैया रट लो, जितनी अच्छी तरह शनि चालीसा रट लोगे आपको उतना अच्छा फायदा होगा। शनि चालीसा को आपको शाम को 8 बजे के बाद,
शनि की सारी पूजा 8 बजे के बाद होती है, पहले ध्यान रखना। पता नहीं क्यों लोग दिन में जाके दिए पूजा पाठ करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। शनि की पूजा हमेशा रात में होती है, शाम को 8 बजे सूरज ढलने के बाद होती है, क्योंकि सूरज का और शनि का बैर है, ये पिता पुत्र आपस में नहीं बनती। तो जितने भी लोग शनिवार के दिन दिन में जाके पूजा पाठ घंटी बजाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सूरज को चढ़ता है, उसमें आपको और दिक्कतें बढ़ती हैं। शनिवार की पूजाएँ जितनी भी होती हैं शाम को होती हैं, या तो सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद। तो आपको क्या करना है, शनिवार को सूरज ढलने के बाद ही शनि मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पे बैठ के आप धूप दीप अगरबत्ती जो जलाएं जलाए, कम से कम 40 चढ़ी जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे बैठ के शनि 40 पढ़ें, और ओम शन शन श्राय नमा का जाप कीजिए। ओम शन शन श्राय का जाप कीजिए 108 बार कर लीजिए, 1008 बार कर लीजिए, 324 बार कर लो, 540 बार कर लो, या कुछ नहीं है तो 10 मिनट टाइम देकर ऐसे ही कर लो। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपका शनिदेव आपसे खुश होंगी। इसका एक और फ़ायदा है कि जब शनि की 7:30 आती है, शनि की ढैया आती है, इसमें आपको फ़ायदा होगा। यदि पंडित जी ने कह दिया जी कुछ नहीं हो सकता, आप तो बर्बाद होके ही रहोगे, तो भी आपको इसमें फ़ायदा होगा। इसको करने से जो 3 चीज़ें ऊपर बताई और जो ये बताया, पक्का 110% गारंटेड है। अगर आप 3 चीज़ों में से एक चीज़ वो कर लें, यानी कि किसी की सेवा, चाहे वो मंदिर का पूरा पंडित हो, चाहे कुष्ठाश्रम हो, चाहे भिखारी हो, चाहे विकलांग हो, कुछ देना, खाना पीना देना शुरू करो। और सबसे ज़्यादा होता है खाने का महत्व, पैसे का नहीं होता, दान का, सिर्फ खाने का महत्व है, यही कलयुग में लगता है। तो आपको सिर्फ खाने की चीज़ देनी चाहिए, आटा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, कुछ नहीं दे सकते हो। तो मैंने जो बहुत पहले एक शुरू किया था, आज से बहुत साल पहले, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने अपनी मम्मी से मैं पैसे ले लेती थी, और मैं क्या करती थी, कढ़ी चावल आते थे 10-10 रुपये के उस समय में, तो मैं उसकी पैकिंग बनवा लेती थी। वो पैकिंग कढ़ी चावल की बनवा ली, या फिर ये 2 पूड़ी और सब्जी होती है वो हमारे यहाँ मिल जाती थी, उसकी 10-10 रुपये की पैकिंग बना ली, और बस बनवा के निकले और वो 10 थैले ले ली, जहाँ जहाँ जो जो भिखारी टकराया उसके हाथ में पकड़ाते चले गए, मैं ऐसे कर देती थी। तो ये भी आप कर सकते हो, मैंने खाने का दान करना है और शनि की पूजा करो, तो आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, चाहे आपका पति छोड़ गया हो, चाहे आपकी प्रेमिका छोड़ गई हो, चाहे आपका भाई चला गया, चाहे कोई घर से भाग गया, चाहे कोई गुम हो गया, और चाहे आपका कोई ईश्वर नाराज़ हो गया, चाहे गुरु नाराज़ हो गया, कुछ भी हुआ हो, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके ऑफिस में चाहे दिक्कत आ रही हो, घर में दिक्कत आ रही हो, कहीं कुछ भी दिक्कत आ रही होगी, मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आपका काम सही हो जाएगा, अगर आप ये काम करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो आपकी मर्ज़ी। बताना मेरा काम था, क्योंकि मैं भी एक स्पिरिचुअल गुरु हूँ, तो मुझसे लोग पूछते हैं, तो मैंने आज सोचा कि ये कंबाइंड ये वीडियो इसलिए ही थोड़ा बड़ा है कि मैंने सोचा कि आज सबको समझा दिया जाए कि असल में काम कैसे होता है। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मैं आपको शर्तियाँ बताती हूँ, महादेव खुद आकर आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो आप, सावन का महीना है, महादेव की पूजा में लगिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, पूजा करिए, और साथ में जो मैंने शनि जी का ये पूजा बताई है इसे करिए, आपको जरूर लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको वीडियो को शेयर करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ बताई है इसको जितना ज़्यादा आप लोगों में स्प्रेड करेंगे और शनि पूजा को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके खाते में लिखा जाएगा आपके रहने पर जो जो लोग शनि पूजा करेंगे, क्योंकि आपने 100 लोगों को अगर आगे वीडियो स्प्रेड कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो 100 लोग में से अगर 10 लोग भी 20 लोग भी आपके कहने पे इस वीडियो देखकर शनि पूजा कर रहे हैं, तो उसका भी फल आप ही को प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। भगवान शनिदेव आप पे कृपा बनाए रखें, महादेव आप पे कृपा बनाए रखें, आप सब बहुत खुश रहें, और वो सभी लोग जो मुझे गालियाँ भी देते हैं उन सब पे भी भगवान खुश रहें, और वो सभी लोग जो मुझे भगवान की तरह मानते हैं, मेरी फ़ोटो को अपने मंदिर में रखकर मुझे पूछते हैं, उन सब पे भी भगवान खुश रहें, सब पे भगवान खुश रहें। Thank you so much.